हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी मैं मथुरा रेलवे स्टेशन पे हूँ। अभी क्या हुआ कि एक बूढ़ी अम्मा मेरे पास आई, बोली बेटा 10 रुपये दे दे, मुझे चाय पीनी है। तो पहले तो मुझे लगा ये लोग पता नहीं सच में ही चाय पीनी या कुछ पैसों का कुछ करे, शायद मिसयूज़ ना करे। तो फिर मैंने उसको 10 रुपये दे दिए चाय पीने के लिए। फिर मैंने सोचा कि आज देखते तो हैं ये लोग करते क्या हैं, क्योंकि तो ट्रेन आने में अभी टाइम है। तो मैंने उसका थोड़ा सा पीछा किया है ना, तो पीछा करते करते मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मैं दिखाता हूँ वो अम्मा एक्चुअली मैं रियलिटी में कर क्या रही है, वो तो सच में चाय पीनी है या क्या करना है। ठीक है, एक सेकेंड। तो दोस्तों ये है वो अम्मा, और सच में ही उनको चाय पीनी थी। ओके, तो सच में आज मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के कि हाँ अम्मा ने चाय पी है। ये बिस्किट, बिस्किट अम्मा, बिस्किट। बिस्किट का पैकेट है क्या? नहीं। और अम्मा को शायद पता चल गया मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ, और अम्मा ने मुंह छुपा लिया। बट हाँ, सच में कुछ लोग होते हैं उनको ज़रूरत होती है। तो देखो दोस्तों, अगर आप हेल्प करने के लायक हो, आप काबिल हो, आप हेल्प कर सकते हो, आपका 10, 15, 20, 50, 100 रुपये में कुछ नहीं जा रहा, तो आप ज़रूर हेल्प करें ऐसे लोगों की। आज हम लोग अपने ऊपर खर्च कर देते हैं 100, 50 जो भी है, तो 10, 20 रुपये में कुछ नहीं जा रहा, ये लोग चाय पी लेंगे, दुआएँ देंगे, वो कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगी। तो इस ब्लॉग में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, जर्नी है ये, मैं जुड़े रहना, अच्छी अच्छी चीज़ें आती रहेंगी, मैं बताता रहूँगा। तो सफ़र में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, आप घर से बाहर निकलोगे, ट्रैवलिंग करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे भी लोग हैं, उनको मदद की बहुत ज़रूरत है, मदद करनी चाहिए हमें। सच में घर से बाहर निकलेंगे तो पता नहीं क्या क्या एक्सपीरियंस हमें मिलेंगे, और हमें एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लेनी चाहिए। ज़िंदगी लंबी नहीं बाबू मोशाय, बड़ी होनी चाहिए।